हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल T10 स्टडी पर। दोस्तों, साइंस के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको सभी के लिए सातवां पार्ट लेकर के आया हूं। इससे पहले मैंने 6 पार्ट ऑलरेडी करा रखा है, जिसमें आप सभी प्रश्नों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें से सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इसमें से आपके एग्जामिनेशन में आने की बहुत संभावना है, तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, ठीक है। इससे पहले मैंने 150 प्रश्न करा रखा है ऑब्जेक्टिव बेस्ड, ठीक है। यहाँ से हम लोग 151 प्रश्न से आगे स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले, यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इससे पहले मैंने जितने भी वीडियो करा रखा है उसको प्लेलिस्ट में जाकर के चेक जरूर कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, ताकि आपके एग्जामिनेशन में एक भी प्रश्न ना छूटे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा, या फिर जितने भी स्टडी ग्रुप हैं उन सभी में शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी स्टूडेंट्स इसका लाभ ले पाएँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 151वां प्रश्न से। कह रहा है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, ठीक है। देखिए, यदि आपने कार्बनिक कंपाउंड पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा दो तरीके का जो यौगिक होता है वो बनता है, ठीक है। एक तो होता है कि इलेक्ट्रॉन के साझा से बनता है, ठीक है, यानी कि बॉन्ड बना के होता है। और एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के सीधे स्थानांतरण से होता है। कहने का मतलब, जैसे कि मान लीजिए कि आपका सोडियम क्लोराइड बनता है, तो Na+Cl- करके बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, आयनों का स्थानांतरण होता है। आयनों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। तो आयनों के स्थानांतरण से जो भी यौगिक बनते हैं, ठीक है, उन्हें कहा जाता है आयनिक यौगिक, या कह लें कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो यौगिक बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, आयनिक यौगिक कहा जाता है, ठीक है। और यदि कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन के सहसंयोजक बंधनों से बनेगा, यानी इलेक्ट्रॉन यदि बॉन्ड बनाता है, बंधन बनाता है किसी से, ठीक है, यानी कि स्थानांतरण ना करके क्या करे, साझा करे इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का यदि साझा करता है तो उस तरीके से बने यौगिक को क्या कहेंगे, सहसंयोजी यौगिक कहेंगे। यहाँ पर कहा गया स्थानांतरण, याद रखिएगा स्थानांतरण और साझा अलग अलग चीज़ होता है, ठीक है। स्थानांतरण का मतलब होता है सीधा दे देना, और साझा का मतलब होता है एक दूसरे से फेरबदल करके, मतलब बॉन्ड बना के रखना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर स्थानांतरण, तो स्थानांतरण से बनता है आयनिक यौगिक, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीतल किसका उदाहरण है, ठीक है। तो पीतल जो है एक मिश्र धातु है। क्या है पीतल, मिश्र धातु है। किसका मिश्रण है, तो पीतल जो है यह तांबा और जस्ता का मिश्रण है। किसका, तांबा और जस्ता का मिश्रण है, ठीक है। यानी कि तांबा को क्यूप्रम बोलते हैं सयू, और तांबा को क्या बोलते हैं, जिंक, जस्ता को क्या बोलते हैं, जिंक बोलते हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपके आपसे केमिकल फॉर्मूला दे करके भी पूछ लिया जा सके, तो दोनों याद रखिएगा। अगला है, कार्बन हाइड्रोजन से सहयोग कर क्या बनाता है, ठीक है। तो देखिए भाई, कार्बन जब हाइड्रोजन से सहयोग करेगा तो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। कार्बन हाइड्रोजन से सहयोग कर हाइड्रोजन कार्बन बनाएगा, मतलब हाइड्रोकार्बन बनाएगा। बी इसका नहीं, बी नहीं, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोकार्बन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहा जाता है। तो भाई, मैंने पेरियोडिक टेबल पहले ही करा रखा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है वो। 18 मिनट का वीडियो है, यदि आप 18 मिनट का वीडियो देख लेते हैं तो पेरियोडिक टेबल से गारंटी देता हूं कि एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। तो वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट, केमिस्ट्री का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है प्रथम वर्ग, तो सबसे पहले बात कर ले आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। देखिए, आवर्त सारणी यदि आपने देखा है तो उसमें जो उदग्र स्तंभ होता है, ठीक है, यानी कि खड़ा वाला जो स्तंभ होता है वो वर्ग कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, वर्ग। और इसकी कुल संख्या कितनी है, 18 है, ठीक है। और एक होता है लेटी हुई रेखा, यानी कि क्षैतिज लाइन। क्षैतिज लाइन को क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवर्त। और इसकी कुल संख्या कितनी होती है, आवर्त की कुल संख्या होती है 7, ठीक है। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, वर्ग पूछ लिया तो 18 होता है, और आवर्त पूछ लिया तो कितने, 7, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहा जा रहा है, तो सिंपल है भाई, प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहा जाता है, क्षारीय धातु। क्या कहा जाता है, क्षारीय धातु। दूसरे वर्ग के सदस्य को क्या कहा जाता है, क्षारीय मृदा धातु। 14वां याद रखिएगा, 14वें वर्ग को कहा जाता है सिक्का धातु, ठीक है। 17वें वाले को बोला जाता है हैलोजन वर्ग, और 18वें वाले को क्या बोला जाता है, निष्क्रिय वर्ग, नोबेल वर्ग, शून्य वर्ग, बहुत सारे इसके नाम है, ठीक है। और याद रखिएगा, निष्क्रिय वर्ग में जो सबसे पहला तत्व आता है वो कौन सा है, हीलियम, ठीक है। और हीलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाद में जितने भी निष्क्रिय वर्ग, जितने भी निष्क्रिय तत्व हैं, ठीक है, सभी के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई। तो याद रखिएगा, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। अभी रेलवे का जो पेपर हो रहा है उसमें विटामिन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। NTPC का पेपर चल रहा है, उसमें विटामिन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यदि आपका कमेंट होगा तो मैं विटामिन पर एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल बात करते हैं, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। क्या होता है, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, ठीक है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, रेटिनॉल है। क्या है, रेटिनॉल। यह भी याद रखिएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है।
ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख। नेक्स्ट है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति कितनी होती है? ठीक है, अगर आपने संसाधन पढ़ा होगा तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, और वायुमंडल जो है वह गैसों का मिश्रण है जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है नाइट्रोजन। ठीक है, क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। इसकी प्रतिशतता कितनी होती है? तो नाइट्रोजन की प्रतिशतता होती है 78%। ठीक है, ये 21% किसका है? तो 21% है ऑक्सीजन का। ठीक है, 0.03% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा। ठीक है, और 0.94% किसका हो जाएगा? ऑर्गन का हो जाएगा, जो कि एक प्रकार का नोबेल गैस है, और सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला नोबेल गैस कौन सा है वायुमंडल में? तो ऑर्गन ही है। ठीक है, तो इसमें जितने भी ऑप्शन मैंने दिया है सारा का सारा इंपॉर्टेंट है भाई, सारा को याद कर लेना, नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा बाद में। चलिए अगला देखते हैं। अगला है NaOH क्या है, है ना? NaOH बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। बेकिंग सोडा जब पूछ लेगा तो याद रखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट बोले तो NaHCO3। ओके, NaHCO3 किसका? बेकिंग सोडा, इट मीन्स खाने वाला सोडा। और धोवन सोडा का क्या हो जाएगा? Na2CO3। क्या हो जाएगा? Na2CO3, इट मीन्स धोने वाला सोडा। ठीक है, यानी सोडियम कार्बोनेट, दोनों याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कास्टिक सोडा। अगला प्रश्न, मादा जनन तंत्र के भाग नहीं है। ठीक है, यदि आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ा होगा तो उसमें उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, यहाँ पर ओवरी होता है। ठीक है, ओवरी फैलोपियन ट्यूब से इस तरीके से कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। यहाँ पर होता है अंडाणु। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया आपका गर्भाशय, ये वाला पार्ट हो गया आपका योनि। ठीक है, और इसी फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक यानी कि शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि मादा जननतंत्र का भाग कौन नहीं है भाई? तो अंडाशय तो है ही, डिंब वाहिनी भी है ही जिसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, सर्विक्स भी है। ठीक है, सर्विक्स भी है लेकिन वृषण नहीं है। वृषण को इंग्लिश में बोला जाता है टेस्टिस। क्या बोला जाता है भाई? टेस्टिस बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा टेस्टिस जो है यह मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है, और इसी में किसका निर्माण होता है भाई? स्पर्म का निर्माण होता है, शुक्राणु का। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? अब देखिए ग्रंथि वाली बात आ गई तो ग्रंथि से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाकर के आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, अगर वो देख लेते हैं तो आपको ग्लैंड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। ठीक है, कहा गया मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वह यकृत होती है। यकृत को इंग्लिश में बोला जाता है लीवर। क्या बोलेंगे? लीवर, सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। सबसे छोटी ग्रंथि की बात करेगा तो क्या हो जाएगा भाई मेरे? पीयूष हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब देखिए यहाँ पर अग्नाशय जो है, अग्नाशय सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि बोले तो जो एंजाइम और हार्मोन दोनों का सेग्रेशन करता है ना। और उसके बाद पीनियल ग्लैंड जो है, पीनियल ग्लैंड को कहा जाता है बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक बोले तो टाइम को मेजरमेंट करने वाला क्लॉक। ठीक है, हमारे शरीर में भी एक घड़ी है पीनियल ग्लैंड नाम का, याद रखिएगा। अगला है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? तो याद रखिएगा सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो अवतल होता है। साइड मिरर पूछ लेगा तो उत्तल हो जाएगा। अब अगला है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है? तो एकदम हलवा क्वेश्चन है। डायनेमो जो है वह किस प्रकार की ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलेगा? तो भाई विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। यदि आप नहीं देखा होगा पुराने वाला साइकिल तो साइकिल में भी डायनेमो का यूज़ करा जाता था, है ना, रात के अंधेरे में लाइट के लिए। ठीक है, तो वो जो डायनेमो था उसको, वो जो पहिया होता था उसमें चिपका दिया जाता था, तो जब पहिया रोटेट करता था उसके साथ डायनेमो का जो आर्मेचर था वो भी रोटेट करता था। ठीक है, और उससे क्या होता था, यांत्रिक ऊर्जा उसको मिलती थी, और यांत्रिक ऊर्जा से उसको क्या कर किस में कन्वर्ट कर देता था? विद्युत ऊर्जा में, जिससे क्या जलता था? बल्ब जलता था। अगला है, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है? तो भाई घरों में जो विद्युत से दुर्घटना होगा वो शॉर्ट सर्किट के कारण होगा जा। ठीक है, किसके कारण? शॉर्ट सर्किट के कारण हो जाएगा। अगला है, सीने बार किसका अयस्क है? तो भाई मेरे सीने बार किसका अयस्क है? पाड़ा का अयस्क है। ठीक है, किसका अयस्क? पाड़ा। संकेत होता है HG बोले तो हाइड्राइड जायरम। ओके, सीने बार पाड़ा का अयस्क है यानी हाइड्राइड जायरम का। ठीक है, एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम का बॉक्साइड याद रखिएगा, लोहे का हेमेटाइट रखिएगा, और तांबा का कॉपर पायरेट याद रखिएगा। ठीक है, सबका पूछता है। नेक्स्ट है, एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? तो भाई ये आपका सब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जा सकता है कि समावयवी किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? समावयवी कहलाते हैं। अगला है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक है?
तो रक्त को थक्का बनाने के लिए टिकाणु भी चाहिए और इसी का नाम है प्लेटलेट्स। रक्त टिकाणु को ही प्लेटलेट्स बोलते हैं और साथ साथ एक विटामिन भी चाहिए, ठीक है। विटामिन के जो है यह रक्त टिकाणु और प्लेटलेट्स के निर्माण में मदद करता है, ठीक है, इसीलिए विटामिन के भी हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अब एक बात आती है कि हमारे शरीर में ऐसा कौन सा पिगमेंट है जिसके कारण शरीर में रक्त नहीं जमता है, तो क्या हो जाएगा उसका आंसर, हिपेरिन। क्या हो जाएगा, हिपेरिन। हिपेरिन है जो हमारे शरीर में ब्लड को थक्का नहीं बनने देता है, लेकिन जैसे ही कटता फटता चोट लगता है, बाहरी संपर्क में आता है, तो वो जम जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रक्त टिकाणु या कह लें प्लेटलेट्स, इसी का वैज्ञानिक नाम होता है थ्रोम्बोसाइट या फिर विटामिन के कह लें, इसके कारण क्या होता है, ब्लड थक्का बन जाता है। अगला है वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। भाई वृक्क बोले तो किडनी, ठीक है, और किडनी का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई यानी किडनी का जो स्ट्रक्चर तैयार होता है और किडनी जो वर्क करता है वो किसके कारण करता है, तो वो करता है नेफ्रॉन के कारण और वृक्क कोशिका के कारण। मतलब डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी और सी। मैक्सिमम स्टूडेंट ने क्या किया होगा, नेफ्रॉन को देखा होगा, ढनाक से किक मार दिया होगा, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा भाई मेरे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको पूरा ऑब्जेक्टिव में मतलब जितने भी ऑप्शन रहेंगे सारे को पढ़ना है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। आप कहोगे कि भाई मैंने तो सही बनाया गया है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा मार्क्स ऑब्जेक्टिव में घट कैसे गए, तो यही घटने का कारण है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आप टोटल ऑप्शन पढ़ेंगे उसके बाद आंसर करें, क्योंकि आपके पास बहुत सारे टाइम रहेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किस क्रिया द्वारा होता है। तो भाई जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं, सिर्फ शैवाल ही नहीं, जितने भी एक कोशिकीय या निम्न श्रेणी के जीव हैं उसमें परिवहन की जो प्रक्रिया होती है वह विसरण क्रिया से द्वारा होगा। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। तो दांत कहाँ होगा भाई, मुख में ही होगा ना, तो मुख में कितने दांत होते हैं, तो दांत पूछ रहा है कितने, तो दांत होंगे 32, ठीक है, लेकिन अगर प्रकार पूछ लेता तो हो जाता 4, कर्तनक, भेदक, चवर्णक और अग्रचवर्णक, ठीक है। दूध के दांतों की कुल संख्या कितनी होती है, 20, ठीक है, और इतने ही दांत टूटते हैं और दोबारा जन्म लेते हैं, तो क्वेश्चन में पूछ लेगा कि कितने दांत दोबारा जन्म लेते हैं, तो याद रखिएगा 20 दांत दोबारा जन्म लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं, ठीक है, तो जब ये बड़ा फोटो आएगा, ठीक है ना, खींच मेरी फोटो वाला, जो बड़ा फोटो आएगा, तो बड़ा फोटो आएगा भाई जिसका नाम बड़ा होगा, बोले तो अवतल। अवतल तो खुद लंबा नाम है, अगर उत्तल कह लेता तो भाई छोटा नाम है, तो उत्तल छोटा है तो छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, अवतल बड़ा है तो बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, तो बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करेंगे भाई मेरे, अवतल दर्पण का। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पुतली की साइज़ को कौन नियंत्रित करता है। तो पुतली की साइज़ को नियंत्रित करेगा परितारिका। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है, तो वास्तविक, और याद रखिएगा जो भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा वो कैसा, उल्टा बनेगा। वास्तविक बोले तो उल्टा और काल्पनिक बोले तो सीधा, ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस के बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। तो देखिए भाई, निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से संशोधित किया जाता है, मतलब अवतल लेंस का प्रयोग करके निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है, याद रखने का तरीका, दू में भी ऊ आ रहा है और यहाँ पर भी ऊ है, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि ऐसा कौन सा रोग है जिसके संशोधन के लिए उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के लेंस को मिक्स करके द्विफोकसी लेंस तैयार करा जाता है, तो वो हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। क्या हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, तो मैंने पहले ही बता दिया। अगला है, पश्चिम की ओर विक्षेपित प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। भाई मेरे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन फिजिक्स का है, ठीक है, और पिछले साल जो फिजिक्स का प्लस टू का एग्ज़ाम हुआ था यानी इंटरमीडिएट का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक ट्रिक बता रहा हूँ, ये याद रखिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। जिस ओर विक्षेपित होगी ना, उसके विपरीत उसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता कैसे चलता है, तो वो पता चलता है मैक्सवेल के रूल से, आपने पढ़ा होगा मैक्सवेल का रूल, ठीक है, मैक्सवेल के रूल से पता चलता है। तो यहाँ पर कह रहा है उत्तर की ओर विक्षेपित
होता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो इसके ठीक उल्टा बोले तो उत्तर का उल्टा कौन सा हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, तांबे के तार की आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा। यदि आपने जनित्र पढ़ा होगा, जनरेटर, ठीक है, तो उसमें पढ़ा होगा कि यदि किसी भी आर्मेचर को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ठीक है, और उसको घुमाया जाता है, तो घुमाने के बाद हर आधे घूर्णन के बाद, ठीक है, आधे घूर्णन के बाद क्या होता है कि कुंडली से जो प्रेरित धारा होती है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के हिसाब से, ठीक है। तो आधे घूर्णन के बाद क्या होता है, दिशा चेंज हो जाती है किसका, विद्युत धारा का। तो आधा घूर्णन किस में है, बी ऑप्शन में, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी पड़ी नालिका के भीतरी चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो भाई किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी पड़ी नालिका के भीतर अगर चुंबकीय क्षेत्र पूछेगा तो सभी बिंदुओं पर क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। अगला है, सौर कुकर के लिए कौन से दर्पण उपयुक्त होता है, तो भाई मेरे सौर कुकर के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य किसको संरक्षित करना था। चिपको आंदोलन देखिए होता क्या था कि लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, पेड़ पौधे को काटते हैं, ठीक है। तो पेड़ पौधे हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, वो तो आप भी जानते हो, ठीक है। इकोसिस्टम यदि आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि पेड़ पौधे के वजह से ही हम लोग जीवित, हम लोग को भोजन मिलता है, विभिन्न प्रकार की चीज़ें हमें पेड़ पौधे से प्राप्त होता है। तो पेड़ हमारे लिए एक प्राकृतिक संसाधन है, और उन संसाधन को अगर हम निपटा दें तो फिर हमारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा, ठीक है। तो चिपको आंदोलन क्या है, वन संरक्षण से संबंधित है, कौन से, वन संरक्षण से संबंधित है। होता हुआ क्या था कि जो पेड़ को लोग काटने के लिए जाते थे तो महिलाएं क्या करती थी, वो पेड़ से चिपक जाती थी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, चिपको आंदोलन। महिलाएं बोलती थी भाई पहले मेरे को काट फिर पेड़ को काटना, ठीक है, तो लोग भाई व्यक्ति को तो नहीं काट सकते ना, इससे क्या होगा, पेड़ सुरक्षित रहेगा, तो इसी का नाम दे दिया गया चिपको आंदोलन, ठीक है। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो वृक्षों के संरक्षण से संबंधित है, यानी वन के संरक्षण से, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई आखिरी प्रश्न है, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, और वीडियो को सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा पाएँ, ठीक है। अंतिम प्रश्न है, देखते हैं इसका क्या होगा आंसर, कह रहा है बुझा हुआ चूना का अनुसूत्र क्या होता है। तो भाई पहले तो ये जान लें कि बुझने से पहले जो चूना होता है यानी कि साधारण चूना, उसका अनुसूत्र क्या होता है, तो साधारण चूना का होता है कैल्शियम ऑक्साइड, बोले तो CaO। अभी बुझेगा कैसे भाई, तो इसमें पानी डाल दीजिए तो बुझ जाएगा, क्या डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए तो बुझ जाएगा, जब पानी डालिएगा तो ये हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, क्या हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। नीचे में जब त्रुट दो आ जाता है तो उसको बोलते हैं ट्वाइस, ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। और एक चीज़, मैंने जो मॉडल सेट आया है बिहार बोर्ड के माध्यम से उसका ऑब्जेक्टिव करा दिया है, ठीक है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, परीक्षा 2021 नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें, ठीक। उसके बाद इसमें जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं मैं सोच रहा हूँ कि उसका भी आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर ही दूँ, ठीक रहेगा, क्योंकि आप उसको देख लेंगे तो एक आइडिया मिल जाएगा, और हो सकता है कहीं मेरा लैंग्वेज आपको पसंद आ जाए और याद हो जाए प्रश्न, तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाएंगे यदि उसी क्वेश्चन आते हैं तो, ठीक है। तो यदि चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सब्जेक्टिव का क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए ही या नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, लेकिन वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ओके, बाय बाय।